पिछली वीडियो में कुछ मटेरियल शेयर किया था जो कि सूट का था डेली वेयर के लिए, कॉटन का और रेयन का, तो उसके कपड़े स्टिच हो गए हैं, तो वो इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कुछ इस वीडियो में और कुछ आने वाली अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो मैंने ये जो है फैब्रिक मीटर के हिसाब से लिया था, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं मेरी पिछली वाली। और ये जो है, ये पहला जो है मैंने बनाया है सूट, उसका ये कुर्ता है, ये कमीज़ इस तरीके से बनाई है उसकी। इसके जो है गले पर मैंने पोटली बटन लगा के ब्लैक कलर की लेस लगाई है। ये रेयन फैब्रिक था और इसकी जो प्रिंट है वो खड़ी लाइनों में बनी हुई थी। स्लीव्स इसके 3/4 और उस पर भी मैंने पोटली बटन लगाए हैं। लेसेस इसमें मैंने सारी ही जो मेरे पास घर में रखी हुई थी वो मैंने यूज़ की हैं, और कुछ भी मैंने अलग से बाहर से नहीं लिया कि बस घर में पहनने वाले कपड़े थे तो उस हिसाब से ही मैंने इन्हें स्टिच किया है। काले रंग का कपड़ा भी मेरे पास घर में रखा हुआ था, इसीलिए जो है मैंने इसके साथ काले रंग की ये शलवार बना दी है सादी। तो सिर्फ टॉप का कपड़ा, कमीज़ का कपड़ा मैंने लिया था, जिससे मेरा ये पूरा सूट तैयार हो गया था। उसके बाद ये दूसरा वाला जो सूट है, इस पर जो है मैंने ये लाइट कलर की जो है क्रीम कलर की लेस लगाई है 3/4 स्लीव्स बना के, और नीचे जो है इसके साइड पे कट पर भी लेस लगाई है और घेरे पर भी लेस लगाई है। ये भी लेस मेरे पास घर में रखी हुई थी, मैंने अलग से नहीं ली थी। ये कुछ इस तरीके से थी, गोल्डन में लगी हुई थी ये कॉटन की लेस, तो मैंने जो इसका गोल्डन वाला हिस्सा था वो अलग कर दिया और सिर्फ जो इसका कॉटन वाला हिस्सा था वो मैंने इस कपड़े पर लगाया, क्योंकि गोल्डन इसके साथ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था और डेली वेयर के कपड़े तो थोड़े से हल्के ही अच्छे लगते। तो जितनी भी घर में मेरे पास ये लेस थी उसी को मैंने इस कमीज़ पर लगा दिया है, आगे और पीछे घेरे पर लगाया है और फ्रंट के जो है मैंने इसके कट पर जो है इस लेस को लगाया था। बाकी ये रेयन मटेरियल था, हल्का कपड़ा था ये, तो इसकी मैंने जो है शलवार बना दी थी इसके साथ, तो ये दूसरा सूट तैयार हो गया। तीसरा सूट भी बिल्कुल सिंपल सा स्टिच किया है, इसकी जो है ये भी खड़ी लाइनों में प्रिंट थी, 3/4 स्लीव्स बनाए हैं और डबल एक्सएल साइज़ की सारी ही कुर्तियां हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ढीले कपड़े स्टिच करती हूं और पहनती भी हूं, और लंबाई बढ़ाने के लिए नीचे जो है आड़े में इसका बचा हुआ कपड़ा, आड़ी प्रिंट जो थी उसमें मैंने लगा दिया। सिंपल सी सादी सी इसकी भी शलवार बनाई है रेयन फैब्रिक की, जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं ये कपड़े, घर में पहनने में आरामदेह होते हैं। ये अगला सूट है, ये इसकी कुर्ती पर भी जो मैंने लेस लगाई वो भी मेरे पास घर में थी, जो कि इसके साथ मैच हो गई थी। वेलवेट और गोल्डन के टच में इसकी लेस थी, क्योंकि इसके अंदर भी गोल्डन फॉइल प्रिंट बनी हुई थी, चमक थी इस कपड़े में, इसीलिए मैंने जो है ये गोल्डन लेस इसके साथ लगा दी इसके नेक पर और इसके स्लीव्स पर, साथ ही में इसके घेरे पर भी लगाई है मैंने। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी कुर्ती, और कम्फर्टेबल कपड़ा है रेयन मटीरियल में, आगे और पीछे घेरे पर इसके मैंने ये लेस लगाई है, और घर में ही मेरे पास ये प्लेन कपड़ा क्रेप का रखा हुआ था क्रेप मटीरियल में, तो उसकी मैंने सादी शलवार बना दी। तो सिंपल से डेली वेयर के ये सूट थे जो कि मैंने घर में स्टिच किए हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।